पूछना था कि अभी मैंने अम्मी के लिए आपसे बात की ना, तो अम्मी मतलब 6 दफा पढ़ते हुए 30 दिन हो गए उनको, मतलब रोकने के लिए कह दिया आपने 3 दफा मिर्दे मुबीन, तो अम्मी के ना कान के सोने के टॉप्स गुम गए, तो शायद 2-6 मरतबा पढ़ने से नुकसान हो गया क्या कुछ? नहीं, गुम हो गए तो गुम हो गए, उसे नुकसान नहीं होता है सच। छह जी मरतबा क्या पढ़ना है? मिर्दे मुबीन पढ़ हाँ, रहे थे उससे अम्मी नुकसान, वो अगर शायद। टॉप्स गुम, मैंने बताया ना 6 दफा नुकसान करता जी है। जी और अच्छा हुआ 1 मिनट म्यूट कर ले, जी मैं आपने बता दूं अभी, अच्छा वो याद जी आ गया, आप म्यूट कर लो 1 मिनट, आपसे बात करता हूँ। एक साहब थे हमारे, अब्बा के पास आते थे, लैंड डिपार्टमेंट में होते थे, और उनके घर कुछ ऐसा मसला हो गया था बच्चे के साथ कि वो फैसले वाली बात हो गई थी, यानी कि इधर या उधर। तो अब्बा ने कहा था कि ये विर्द मुबीन पढ़ लो इतनी दफ़ा, ठीक है ना, और तादाद उसकी तकरीबन जो तरीके से बताई थी, जो डिवाइडेड थी ना इन द डेज, वो 6 दफ़ा थी एक दिन में, ठीक है ना। और उन्होंने कर लिया, और वो करके अब्बा हमारे आ गए यहाँ पे, और फिर उसके बाद कोई ना पूछना ना गचना। जब अब्बा 1.5 साल बाद कराची वापस पहुँचे, उनके घर 5 बच्चे जो हैं, जिसमें से 3 का इंतकाल हो गया था, और 2 जो हैं क्या कहते हैं उसको, जो बीमार थे वो सब, क्योंकि बच्चे और भी बीमार हो रहे थे और इंतकाल हो रहा था। ये होता है इफ़ेक्ट, हर चीज़ का एक इफ़ेक्ट होता है। जब भी मैं मना करता हूँ कि इधर उधर से देख के बग़ैर पूछ के, जो इस चीज़ को समझता हो उतार चढ़ाव को, वही बताए कि ये पढ़ने पढ़ाने का काम डेंजरस भी होता है। दैट्स वाई आई से वन थिंग, स्टे अवे फ्रॉम पीपल लाइक अस। हाँ, रीडिंग वीडिंग ले लो, लाइफ कोच जैसे होता है, कंसल्टेंट, ये वो। जैसे कल फ़ोन आया था।